लालच बहुत बुरी बला है, जिसमें कई बार आकर हम अपनों तक को खो देते हैं। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है तांतिराम। ये एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो हिंदी डब होकर इसी वीक Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। आज के वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग हमारे वीडियो को देखकर अपना प्यार देते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। विद दैट रोल, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मूवी को IMDb ने 7.8 की रेटिंग दी है, जो कि थ्रिलर मूवी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी रेटिंग है। मूवी के स्टार्ट में हमें विजय नाम का एक लड़का अपने गांव में आते हुए दिखाया जाता है, जो कि हैदराबाद जॉब करता है। वो कुछ एक दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव आया है। एक रात वो अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके दारू पीने का प्रोग्राम बनाता है। वहां पे विजय उन्हें अपने गांव की एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। ये कहानी है बालाचंद्रन की। कई साल पहले उनके गाँव में एक पटाखे की फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि बालाचंद्रन के फादर की थी। बालाचंद्रन के पिता को एक दिन एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। इस सदमे से बालाचंद्रन के पिता काफ़ी डिप्रेस रहने लगे, और यही चीज़ बालाचंद्रन के मन में घर कर गई। उसे अब औरतों से सख्त नफरत होने लगी। इसी नफरत के साथ वो पला बड़ा और काफ़ी बड़ा हुआ। धीरे धीरे उसने फैक्ट्री की बागडोर संभाल ली, लेकिन उसके मन में औरतों के प्रति नफरत कम नहीं हुई। बालाचंद्रन के पिता ने उसकी शादी करा दी, और शादी भी ऐसी लड़की से कराई जो पूरे चार गांव में सबसे खूबसूरत लड़की थी। लेकिन बालाचंद्रन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। कुछ दिनों तक वो उससे अलग रहा, लेकिन एक रात बालाचंद्रन डर के मारे काफ़ी कांप रहा था। एक सपना जो उसे अक्सर आया करता था, वही उस रात भी उसे आया। लेकिन उस रात वो कुछ ज़्यादा ही डर गया। उसे डरा हुआ देखकर उसकी बीवी उसके पास आई, और दोनों में प्यार जागना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे बालाचंद्रन अपनी वाइफ से प्यार करना शुरू करता है। उसे अपनी बीवी से सबसे ज़्यादा प्यार हो जाता है। इस दुनिया में अगर वो किसी से प्यार करता है, वो सिर्फ अपनी बीवी से करता है। एक दिन उसकी बीवी खाना देने के लिए उसकी फैक्ट्री आती है। अब बालाचंद्रन इस बात से अनजान नहीं है कि उसकी फैक्ट्री में एक जिन है। ये जिन एक बार अपनी प्रेजेंस का प्रमाण उसे दे चुका है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को वो नज़रअंदाज करता आता है। जब उसकी बीवी खाना देने फैक्ट्री आती है, तो जिन उसे देख लेता है। यहाँ जिन एक दिन बालाचंद्रन को अकेला पाकर उसे डिमांड करता है कि वो अपनी बीवी की खून की एक बूंद लाकर उसे दे। इसके बदले में जिन उसे बहुत ही कामयाब आदमी बना देगा। बालाचंद्रन पहले तो उसे मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। फिर वो अपनी बीवी की एक खून की बूंद लाकर उसे देता है। इसके बाद बालाचंद्रन तरक्की पे तरक्की करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो उस गांव का नहीं बल्कि आसपास के 10-20 गांव का भी सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वो एक और फैक्ट्री भी डाल लेता है। कुछ दिनों बाद बालाचंद्रन दोबारा उस जिन को बुलाता है थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन बालाचंद्रन को ये नहीं पता कि उसने दोबारा उस जिन को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब जिन यहाँ पर उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी बीवी ला कर दो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए। बालाचंद्रन इस बात से मना कर देता है, तो जिन कहता है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है मैं सब छीन लूँगा। बालाचंद्रन उसे तब भी मना कर देता है। अब इसके बाद बालाचंद्रन का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और वो बहुत ही गरीब हो जाता है। धीरे धीरे उसकी दोनों फैक्ट्रियों पे भी ताला लग जाता है। बालाचंद्रन की मरता क्या ना करता वाली हालत हो जाती है। लेकिन बालाचंद्रन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। ऐसे में जिन उसे फिर से उसकी बीवी के पास्ट के बारे में बताता है, और जिन उसे झूठ बोलता है कि तुम्हारी बीवी का पास्ट में किसी के साथ चक्कर था, और वो उसी के साथ फिजिकल रिलेशन में भी थी। बालाचंद्रन इस बात से बहुत नाराज़ हो जाता है, और अपनी बीवी को जिन को देने का इरादा कर लेता है। वो अपनी बीवी से झूठ बोलता है कि आज हमारे फैक्ट्री में कुछ पूजा वगैरह है, तो तुम आज रात को तैयार होकर मेरे साथ चलो, एक नई नवेली दुल्हन की तरह। वहाँ जाकर जिन उसे अपना लेता है, लेकिन वहाँ जाकर असल बात उसे पता चलती है कि जिन ये सब झूठ बोल रहा था, और वो उसकी बीवी को ले जाता है। यहाँ बालाचंद्रन के सामने एक चीज़ और सामने आती है कि जिस तरह जिन उसकी बीवी को ले गया था,
ठीक उसी तरह वो उसकी माँ को भी लेकर गया था और उसके बाप ने उसकी माँ को जिन को सौंप दिया था, और बाप ने ही उसे उकसाया कि तू अपनी बीवी भी जिन को दे दे। इस बात से बालचंद्रन बहुत नाराज हो जाता है और जाकर अपने पिता का खून कर देता है और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर लेता है। ये कहानी जो विजय सुना रहा होता है यहीं पर ही ख़त्म कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने दोस्तों के सामने एक बम फोड़ता है। वो बताता है कि जिस जगह वो बैठकर दारू पी रहे हैं यहीं पर कई साल पहले वो फैक्ट्री हुआ करती थी। अब वो सब यहाँ पर इतना डर जाते हैं कि उठकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एक चेहरा सामने आता है जो कि एक जली हुई औरत का होता है, और हम सबको यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हो ना हो ये चेहरा बालचंद्रन की बीवी का ही है। और यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है। अब इस फिल्म का अंत यहाँ पर अभी हो तो गया है, लेकिन इसका चैप्टर 2 आना अभी बाकी है, क्योंकि चैप्टर 2 में अभी कई सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कि अजय को इस कहानी का कैसे पता चला, अजय अपने दोस्तों को उसी जगह शराब पीने क्यों लेकर आया जहाँ पर वो फैक्ट्री थी, क्या अजय भी तो जिन के साथ नहीं मिला हुआ। तो इन सब सवालों के जवाब हमें चैप्टर 2 में ज़रूर मिलेंगे। तो ये था तांतिरम मूवी का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी का डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।